नमस्कार, एके बिने चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि लगातार मैं गवर्नमेंट जॉब से जुड़े इन्फॉर्मेशन का वीडियो बना के आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो अगर आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँच जाएगा। तो आज मैं आप लोगों के सामने RBI ऑफिस अटेंडेंट वैकेंसी डिटेल और कट ऑफ कैटेगरीज वाइज कितना जाएगा उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि पहले जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, और इसमें रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी सभी में कट ऑफ क्लियर करना होगा, तभी उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाएगा। तो आइए देखते हैं कि जनरल के लिए कैटेगरीज बाईस कितने कट ऑफ जाएगा, OBC के लिए कितना जाएगा, SC के लिए कितना जाएगा और ST के लिए कितना जाएगा। तो ये मान लेते हैं रीजनिंग का 30 क्वेश्चन आएगा और 30 नंबर का होगा, तो जनरल का जो कट ऑफ जाने की संभावना है वो 26 जाएगा, और इंग्लिश में 30 में से जनरल का 25 जा सकता है, और जनरल अवेयरनेस का 30 में से 20 जा सकता है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी का 30 में से 26 जा सकता है। फ्रेंड, आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल कंपटीशन तो काफ़ी टफ हो गया है, तो इतना तो कट ऑफ जाएगा ही जाएगा, और वैकेंसी भी काफ़ी कम निकल रही है, तो कट ऑफ आए जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो जनरल का टोटल जो है कट ऑफ 120 में से 97 जा सकता है, और OBC का रीजनिंग में 23, इंग्लिश में 22, जनरल अवेयरनेस में 18, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 24, और जो टोटल आप लोग देख सकते हैं कि 87 कट ऑफ जा सकता है, और SC का रीजनिंग में 21, इंग्लिश में 20, जनरल अवेयरनेस में 18, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 20, और टोटल जो कट ऑफ जा सकता है वो 79 जा सकता है। और ST का रीजनिंग में 18, इंग्लिश में 17, जनरल अवेयरनेस में 16 और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 18, और जो टोटल है वो 69 कट ऑफ जा सकता है। जो लोग भी इसका एग्ज़ाम देंगे वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनके कितने नंबर आ रहे हैं, उससे और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगा कि कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि ये जो कट ऑफ है वो एक्चुअल नहीं है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ मैं। और वैकेंसी डिटेल आप लोग देख सकते हैं कि जनरल के लिए 454 वैकेंसी, EWS के लिए 76 वैकेंसी है, और OBC के लिए 211, SC के लिए 25, ST के लिए 75 सीटें, और जो टोटल वैकेंसी है वो 841 है। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, जो फर्स्ट प्रोसेस है वो ऑनलाइन टेस्ट है, और जो सेकेंड है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, थर्ड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फोर्थ है मेडिकल। तो इसमें मेन तो यही है ऑनलाइन टेस्ट, अगर आपका ऑनलाइन टेस्ट क्लियर हो जाता है तो ये सब आप लोग काफ़ी आसानी से क्लियर कर लेंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते तो कमेंट बॉक्स के करके ज़रूर बताएं।